अभी ऐसा कानून आया है कि अगर आपको एक डॉग को खाना खिलाना है, बिस्किट खिलाना है, गऊ को खाना खिलाना है, भैंस को धोते हुए दिखाना है, तो ये दिखाने के लिए हमारी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उनके तरफ से ऐसा फरमान जारी हुआ है सेंसर बोर्ड को कि फिल्म मेकर्स ने 30,000 रुपये का NOC अगर हमसे नहीं लिया तो उनको रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट ना दिया जाए। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देते तो फिल्म में से वो सीन कटवा दो, सर्टिफिकेट देते तो वो फिल्म में सीन रहेगा जिसमें डॉग हो उसको खाना खिलाने, एक कबूतर को भी खाना खिलाने के लिए वो 30,000 के जुर्माना भरवा रहे हैं, प्लस उसकी प्रोसीजर इतनी लंबी है कि वो 1.5 महीना खाता है, उसमें डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर का भी NOC ज्वाइन होता है। तो संस्कृति दिखाने वालों को ही टारगेट करके आप क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? क्या सच में गऊ बाद में क्या पुतले में ही दिखेगी, नंदी बैल पुतले में ही दिखेंगे? इतनी सारी गऊ माताएं काटी जाती है, इतने गऊ हत्या होते हैं, उनके लिए तो कभी उन्होंने दिखाया नहीं अपनी रहम। सेंसर बोर्ड को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि का थोड़ा सा विकास करें। सेंसर बोर्ड एक मुर्गी भी आई तो उसके लिए 30,000 ले रहे हैं, 30,000 भरने की बात करें क्या? अपना दिमाग तो लगाए कि कई सारी फिल्मों में अगर एक मुर्गी दिखाए तो उसके लिए बेचारों का सीन काटा जाता है, तो सेंसर बोर्ड अपना दिमाग लगाए, मछली के सीन के लिए भी 30,000 रुपये भर के NOC लेना पड़ता है। मेरा नाम प्रवीण कुमार मोहरे है, मैं मराठी फिल्म डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और एक्टर हूँ और फिल्म सेंसर बोर्ड करप्शन एक्टिविस्ट हूँ। तो ये जो आप साइकिल पे एक पोस्टर लगाया हुआ है जी, क्या कारण है? आप बता रहे थे मुंबई से यात्रा कर रहे हैं जी। एक्चुअली आप तो जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है फिल्म इंडस्ट्री का, कई सारी फिल्में बनी हैं जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वहाँ बैलों के घूरों की झनकार, देश प्रेम, हाथी मेरे साथी जैसे फिल्में, तेरी मेहरबानी है जैसी फिल्में जिसमें कुत्तों को दिखाया जाता, जो डॉग दिखाया गया उसके वजह से लोगों के मन में प्यार, जानवर के प्रति प्यार उमड़ उठा। ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसमें जो गऊ भैंस या बहुत सारे जो हमारे जो जानवर दिखाए जाते हैं वो इसीलिए कि वो प्यार दर्शा सके और हमारी जो पीढ़ी है या हमारे जो लोग हैं वो समझ सके कि गऊ के ऊपर या जो जानवर है उनके ऊपर भी प्यार हो, और इसी के लिए हम फिल्म में जो समाज का आईना होता है उसके जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ऐसा कानून आया है कि अगर आपको एक डॉग को खाना खिलाना है, बिस्किट खिलाना है, गऊ को खाना खिलाना है, भैंस को धोते हुए दिखाना है, तो ये दिखाने के लिए हमारी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उनके तरफ से ऐसा फरमान जारी हुआ है सेंसर बोर्ड को कि फिल्म मेकर्स ने 30,000 रुपये का NOC अगर हमसे नहीं लिया तो उनको रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट ना दिया जाए। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देते तो फिल्म में से वो सीन कटवा दो, सर्टिफिकेट देते तो वो फिल्म में सीन रहेगा जिसमें डॉग हो उसको खाना खिलाने, एक कबूतर को भी खाना खिलाने के लिए वो 30,000 के जुर्माना भरवा रहे हैं, प्लस उसकी प्रोसीजर इतनी लंबी है कि वो 1.5 महीना खाता है, उसमें डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर का भी NOC ज्वाइन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप परफॉर्म करवाते हो, गाय को गऊ को अगर दूध दोना है, भैंस को दूध दोना है तो उससे परफॉर्मिंग उनको लगता है, तो भैया परफॉर्मिंग की बात करते हो और उसके लिए आप 30,000 हमसे लेते हो, क्या 30,000 लेने से क्या वो जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो ख़त्म हो जाता है? इतने सारी गऊए हमारी गऊ माताएं प्लास्टिक खाती है, कचरा खाती है, उनके तरफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड वालों का कभी ध्यान नहीं गया। अभी तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 35 से 40 करोड़ रुपए फिल्म मेकर से वसूला है अभी तक, और अभी भी मैंने सुना कि पंजाब में भी तकरीबन 2% ऐसा टैक्स लगा है गऊ के लिए। तो क्या सच में उनका संरक्षण होता है? मैंने तो अपनी यात्रा में तकरीबन 25,000 के करीब गऊ देखी है जो फुटपाथ पे दिख रही है, कचरा खा रही है, तो उनके तरफ तो ध्यान नहीं है। तो हम फिल्मों में जब समाज का आईना है, बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि गऊ पे प्यार करो, जानवरों पे प्यार करो, कुत्तों को भी आप खाना खिलाओ ताकि इंसानियत बनी रहे, तो वो दिखाना क्या गलत है? क्या हम नंगी पुंगी पिक्चर बनाएं? अगर यही चाहते हैं तो हम वैसा भी करने के लिए रेडी है। तो मैंने फिल्म में ये दिखाया, मेरे पोस्टर में आप दिखाइए, इधर हमारे नरेंद्र मोदी जी का दिखाया मैंने, नरेंद्र मोदी जी गौ माता को खाना खिला रहे हैं। आप बताइए खाना खिला रहे हैं यानी अच्छी बात है? गऊ को खाना खिलाना चाहिए,
अब बताइए नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने 30,000 लिया, हाँ तो हम यही चीज़ अगर फिल्म में दिखाते तो कौन सा गलत कर लिया। तो मेरी फिल्म जो है मराठी फिल्म शिरच्छेद प्रेमाचा, उसमें भी एक बैल का शॉट है, जो मेरे घर का बैल है उसको भी दिखाने के लिए मैंने NOC नहीं लिया, इसीलिए 30,000 का मांग हुई और नहीं भरा तो सीन कटवा दिया। आपकी पंजाबी फिल्म आवा उठ करके आई थी मिस्टर लुधियाना के है, उनका नाम समथिंग याद नहीं आ रहा है मुझे, उन कुलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह ढिल्लो जी की फिल्म है आवा उठ, उनके फिल्म में भी एक भैंस का सीन है, पूरा पूरा सीन कटवा दिया क्योंकि उन्होंने 30,000 नहीं भरे। एक्चुअली क्या होता है, फिल्म मेकर्स की पिक्चर रिलीज होती है और वक्त पे एक फॉर्मेलिटीज करने में बहुत तकलीफ आती है, इसलिए बेचारे अपाहिज हो जाते हैं, सीन में से वो सीन कटवा देते हैं। अब क्या कहेंगे आप? देखिए मैं हमारी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ कि देखो अगर पैसा ही चाहिए तो हमारी इंडस्ट्री, आप 30,000 की बात कर रहे हैं, हम 3,00,000 रुपये देने के लिए रेडी हैं। सभी फिल्म मेकर से लो, आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति दिखाना चाहते हैं, तो संस्कृति दिखाने वालों को ही टारगेट करके आप क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? क्या सच में गऊ बाद में क्या पुतले में ही दिखेगी, नंदी बैल पुतले में ही दिखेंगे? इतनी सारी गऊ माताएं काटी जाती है, इतने गऊ हत्या होते हैं, उनके लिए तो कभी उन्होंने दिखाया नहीं अपनी रहम। तो जो गऊ माता है वो सच में अभी जो अभियान चला रहे कुछ लग रही गऊ माता को राष्ट्रमाता दर्जा हो, एक्चुअली वो उनका अभियान भी सही है, एकमात्र की हम माँ का दूध पीते हैं, वैसे गऊ का माता गऊ माता का भी दूध हर कोई पीता है, हर जाति और धर्म का पीता है, तो हर किसी भारतीयों का फर्ज है कि उसको गऊ माता का दर्जा मिले ताकि वो कटे ना, बस यही उद्देश्य है कि उसको भी एक अपना स्थान मिल जाए और वो कचरा खाते हुए ना दिखे। क्या सच में हमारे जो शेर वगैरह को हमने राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा दिया है, मोर को दिया, तो क्या मारते हैं लोग? क्या कहेंगे जो सेंसर बोर्ड है? सेंसर बोर्ड को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि का थोड़ा सा विकास करें। सेंसर बोर्ड एक मुर्गी भी आई तो उसके लिए 30,000 ले रहे हैं, 30,000 भरने की बात करें, क्या अपना दिमाग तो लगाए कि कई कई सारी फिल्मों में अगर एक मुर्गी दिखाए तो उसके लिए बिचारों का सीन काटा जाता है, तो सेंसर बोर्ड अपना दिमाग लगाए, मछली के सीन के लिए भी 30,000 रुपये भर के NOC लेना पड़ता है। बस आप अकॉर्डिंग टू रूल, हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा रूल्स है कि भैया NOC चाहिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड से, तो क्या सेंसर बोर्ड के ऑफिसरों को इतना भी दिमाग नहीं है कि भैया मुर्गी को तो हैरेस नहीं किया, एक कुत्ता बीच में शूटिंग के दौरान आ जाता है तो उसको हैरेस तो नहीं किया, तो वो सीन भी काटने के लिए जब सेंसर बोर्ड का ऑफिसर बोलता है तो अपना दिमाग भी सेंसर बोर्ड के ऑफिसर समझे कि भैया उन्होंने कोई हैरेसमेंट नहीं किया, और ये मतलब कि NOC की बात ना करें सेंसर बोर्ड।